क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपकी फेवरेट यूट्यूबर। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती। आप लोगों को ये बंदा तो याद ही होगा जो अपनी गर्ल में किटकैट टेलकम पाउडर लगा के मॉल में अनजान लड़कियों को एक्स की यूज नहीं आप भी करता फिरता है। तो रिसेंटली भाई साहब का लेवल और स्वैग भर गया है भाई। एक तो कैमरा नया लिया है इन्होंने, यानी कि अब तरबूज से रिकॉर्ड किए गए एड नहीं देखने को मिलेंगे, और इनके एड में मैडम की ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है ताकि बुजुर्गों का भी दिल लगा रहे। तो भाई अपने अपने सलांटियों के पैकेट और इंचेस टेप हाथ में ले लो और नापते इसकी पैंच होली। अगर तो ये अपनी तरफ से बदमाश बन के आया ना, तो मैं बता देता हूँ पोला परदेसी को पिस्तौल पकड़ा वो ज्यादा बदमाश लगेगा। और आधा गुल्लू बाट और आधा जस्टिन बीबर बनने की क्या जरूरत है भाई? ऊपर से कटिंग देखना इसकी, जैसे किसी बकरी का टोपा होता है। अब चूचा ना कटवा ली अपना। कितने नत भूखे ते नहीं रहन लग पे? असी तेरे आन दी खुशी विच बदमाश बनिया नहीं दा ऑनलाइन ऑर्डर दिता है। ऐसी हंसी तब आती है जब आपका टीचर लुंगर सा जोक भी मार देना, तब भी आपको नंबर लेने के लिए जबरदस्ती हंसना पड़ता है। और यकीन करो मैंने इसकी कटिंग इग्नोर करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं हो रही यार। ऐसा लग रहा है जैसे उबले हुए अंडे को सिर्फ आधा छिला हुआ नीचे से। बदमाश नवी आई है सोनिए। आहो नूरी, बिरयानी आप तीन मुख्तलिफ फ्लेवर्स में। यार बंदा ऐड की थोड़ी बहुत तो सेंस बना ही लेता है। साले तेरे जिन में चल के रहा था ये शूट करने से पहले। पहले ये आधा बदमाश और आधा डोरेमोन बन के मैदान में एंट्री करते, फिर ये मैडम बदमाश बिरयानी का ऑनलाइन ऑर्डर देती है, और फिर ये लोग झूले पे बैठ के हैप्पी एंडिंग कर लेते हैं। इसी को तो कहते हैं एड प्रोडक्शन। यही तो है पैन छोली टैलेंट 2017। और अब मुझे पता लगा कि ये लोग हर बार रेगिस्तानों में और खेतों के अंदर घुस के शूटिंग करते हैं, क्योंकि भाई इस छोटे भीम को एक्टिंग करते हुए देख कर ना पब्लिक का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स होता है। ए हन्नो है, एदी ना मां ना प्यो, ए खुसरा पहन चो। ये बंदा ना हर शाम को अपनी शलवार में पटाखा डाल के नसीब सारता होना अपना। खैर अब जो इस बंदे का मास्टर माइंड एड दिखाने जा रहा हूँ ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ जो लोग अभी तक डेस्पासितो सुनते हैं ना, वो जाके नंबर वन ट्रेंडिंग पे पड़े नीलम मुनीर की डांस परफॉर्मेंस देखें, क्योंकि इस वीडियो की सिर्फ स्टार्टिंग देखने के बाद ना हो सकता है आपका निकल के भाग जाए। मुझे न्यू मोबाइल चाहिए। खरीद लिया? मेरा मोबाइल बहुत पुराना हो गया है, मुझे ये बेचना है। बेच दिया? ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे ऐसे लैपटॉप पे उंगल मारते ही मोबाइल बिक जाते हैं? यहाँ OLX पे पुराना फोन बेचते बेचते गांठ फट जाती है, और ये भूखी का चिड़ौड़ी खेल के फोन बेच रहे। मेरे मोबाइल का चार्जर खराब हो गया, हैंड फ्री और चार्जर ला दो ना प्लीज। घर बैठे सब कुछ एक साथ। हाँ, अब mobilebecher.com वेबसाइट पर जाओ और घर बैठे सब कुछ खरीदो, बेचो, खरीदो या एक्सचेंज करो। चलो गाना तो फिर बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन ये बंदा कर क्या रहा है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बड़े पैसे लगाए हैं, टोयोटा ऑर्डर की है, डांसर वगैरह मंगवाए हैं। ये बंदा अपनी गली में दोस्तों के साथ पिट्ठू गोल गरम खेल रहा था, फिर ये बंदा ऐसी हालत में आके इसके हाथ में दो रसगुल्ले पकड़ा के बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है कुत्तों की तरह नाचना, बदले में इसको और इसके दोस्तों को समुद्र बांध के नशे करवाएगा। और मुझे इन लोगों के लिए ना बहुत बुरा लग रहा है, दो चार रुपए कमा के दाल चावल खरीदने के लिए इनको इस तरह नाचना पड़ रहा है। और इस बंदे को देखना जरा, पता नहीं कौन सा स्वैग घुस रखा है इसके अंदर। गाड़ी के साथ लग के पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहा है शायद, इनसे बेहतर तो नाना पाटी कर नाच लेता है। अब वसीम भाई बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर और बहुत बड़े चूते होने के साथ साथ प्लेबॉय भी है। वाओ, तो फिर हो जाए? पहले मैं जाऊंगा। श्योर, प्लीज सुनिए जी, मैंने पहले आपको कहीं देखा है। मुझे बताना ये कौन सा तरीका है बंदी पटाने का, इससे बेहतर तो अपनी फेसबुक की आवाम बात स्टार्ट कर लेती है। हेलो हेलो जी, कैन आई आस्क यू समथिंग? जी सोमी बोबो वजीन। और ये बंदी भी कुछ कम नहीं है भाई, इतना एटीट्यूड। लड़कियों पे लाइन मारते हो? अभी बताती हूँ तुम्हें। इस बंदे की जिंदगी में ना प्यार की इतनी कमी है कि अपने सोते हुए दोस्तों को उठाकर गुड नाइट बोलते हैं। अब मैं जाता हूँ। एक्सक्यूज मी,
ये जो लड़की के पीछे मुड़ने पर बाजे वाला साउंड इफेक्ट आया ना, ये मैंने नहीं डाला। मतलब इनके त्यापे का हाल ये है कि जब भी कोई लड़की स्लो मोशन में पीछे मुड़ेगी तो बाजे वाला साउंड इफेक्ट डालने। यार तुम लोग ये डाल लेते तो ज्यादा बेहतर ना होता। एक्सक्यूज मी, जी चिकन चीज पराठा या कड़क चाय? What? वो भी पप्पू टी स्टॉल फोर्टस स्क्वायर मॉल से। पप्पू टी स्टॉल फोर्टस स्क्वायर मॉल? या चले। Sure. इसकी मम्मी ना इसे बचपन में कहा करती थी कि बेटा परिंदों को पानी पिलाया करो, प्यारी बीवी मिलेगी। और ये बंदा ना रोज सुबह शरबत डाल के देता था, इसलिए अब ये हाल है। गुलगप्पे, आइस कोला, चिकन सुप्रीम सैंडविच एंड सब्स चाय। मुझे फिर शायरी आ गई। पप्पू टी स्टॉल फोटो स्क्वायर मॉल में डेट मारने के बाद ना ये बंदा स्कूल में बच्चों की पैंट की जिप बंद करने की पार्ट टाइम नौकरी करने गया। उन्हें जब भी मैं इस चिकनी टिंड का मुंह और इस बंदे का एक्सक्यूज मी आप भी सुनता हूँ ना, मेरा ये करने का दिल करता है। एक्सक्यूज मी आप भी? भोपड़ी के माता चोर पहन के लोहे मच्छर की छाट। सारे मिल के हमको पागल बना रहे मादरचोद। यकीन करो ऐसे लोगों को फीस सेंटर वाले अपनी दुकान में बाथरूम साफ करने के लिए रखते हैं, जिन्हें अर्ली बोनस में नोकिया के फोन मिलते हैं, जिसे ये लोग अपने पूरे पिंड में दिखाते फिरते हैं। तो यार आजकल इतना ही, और कहने की जरूरत तो नहीं है लेकिन वसीम भाई को अटैक नहीं करना, ये जस्ट एक मजाक था। सारी दुनिया ही मजाक है यार, मेरी पूरी जिंदगी ही मजाक है। अब ये ना कह देना कि भाई वीडियो छोटी है, सर्दियां चल रही हैं, आजकल सब कुछ ही छोटा है। अब सब्सक्राइब करो अगर पहले से नहीं किया हुआ, उस लाल चीज को इतना दबाओ कि सफेद हो जाए। वैसे तो आमतौर पर सफेद को लाल किया जाता है लेकिन इस बार लाल को सफेद कर दो, समझ रहे हो ना मेरी बात। और अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, क्योंकि आज हर लाइक मारने वाले को कुछ नहीं मिलेगा भाई, 10 रुपए का लेस देने के पैसे नहीं है। आज फ्री में मारो, आज फ्री में मारो। अगर नहीं मारा जा रहा तो शैम्पू इस्तेमाल करो। क्या बकवास है यार। पुनुमियो लिस परदीसो कमा।